सखी सहेली सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और हमारे श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। दीपा जी बुआ, देखो भाई, ऐसा है कि ठंड हमारे बहुत सारे प्रदेशों में, प्रांत में, अलग अलग इलाकों में जबरदस्त पड़ रही है। तो हमारे बहुत सारे साथी भाई जो कुछ जो है कि कुछ सूप हाथ में लेकर सुन रहे होंगे कार्यक्रम, या हो सकता चाय वाय हो चल रही होगी, है ना, और चाय का तो ऐसा है कि खाना खत्म हुआ नहीं और फिर तुरंत मांग लेते भाई एक कप कड़क वाली चाय, कड़क चाय चाहिए। हाँ, और क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि जैसे खाना शरीर में जाता है, उसका जब पानी पीते हैं तो सोचते हैं कि सब आहार नली से अंदर जा रहा है और सब तरफ ठंडक फैला रहा है। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही एहसास होता है जी। और आज हम कार्यक्रम की जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे एक साथी के जो संदेश है उससे करते हैं, और वैसे भी उनको नमन करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, उन्हें याद करते विनम्र नमन करते हैं। साल 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग के दौरान अमेरिका ने जब गेहूं के निर्यात बंद कर दी, तब उन्होंने अपने देश में गेहूं के साथ अन्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और देशवासियों को हफ्ते में एक बार उपवास रखने का आग्रह किया था, जिसमें देशवासियों ने पूरा सहयोग दिया था। बहादुर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र नमन। जी, हम सबका नमन है बुआ लाल बहादुर शास्त्री जी को, और बहुत ज्यादा सादा जीवन, और जो कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, उस बात को जो जिया है वो उन्होंने जिया है। उन्होंने जिया है, उनको देखकर बिल्कुल आप ऐसा महसूस कर सकते थे, और उनके इसीलिए तो उनकी बातों में ऐसी ताकत थी कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके आह्वान पर हफ्ते में एक दिन नहीं खाना नहीं खाते हैं, यानी उपवास रखते हैं। तो ये बात होती है कि जब आप ऐसे तपस्वी होते हैं या त्यागी होते हैं तो आपकी बात लोग मानते हैं। बिल्कुल। और वो इतना सादा जो जीवन जीते थे, उसके उनकी जो कई सारे प्रेरक प्रसंग हैं, बहुत सारे, तो एक जैसी कहानी इसी वक्त की याद आ रहा है कि वो इतना सादा जीवन जीते थे कि अपने जो कपड़े पहनते थे खादी के कपड़े पहनते थे हमेशा, अगर कुर्ता कहीं थोड़ा सा भी फट गया तो वो घर में कहते थे कि इसके बचे हुए कपड़े से रुमाल बना लो, कपड़ा बिल्कुल जाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक धागा बहुत मुश्किल से बुना है, बुना हुआ है। तो ये है काम के महत्व को समझना और उसके उसको सम्मान देना। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, और कभी अपने पद का उन्होंने कहना चाहिए कि ना घमंड नहीं किया, तमाम बातें हैं। लेकिन आज हम जब बात करेंगे तमाम बातों के साथ, तो अपने विषय की भी बात कर लें। बिल्कुल, उस विषय भी बता देते हैं। आज जैसे बात शुरुआत की थी कि भाई बहुत ठंड पड़ रही है, तो हम अपने सभी सखियों से चाहते हैं कि बताएं कि कड़कड़ाती से ये जो ठंड वाले दिन है उसमें उनके क्या अनुभव है, क्या भाई रहता है ना कि जैसे हमारा बता रहे हैं बुआ कि पूरे ठंड में अभी हम गए थे राजस्थान, तो पूरे टाइम जितने दिन वहां रहे ना हमारे नाक पूरी लाल रही। अच्छा। और इतने ठिठुर रहे थे अंदर से कि दो दो हमें कोट पहने लेकिन फिर भी ठंड नहीं जा रही। अच्छा जी, क्या बात है। तो भाई इस तरीके का अनुभव बिल्कुल सही है। वैसे हमें लगा कि तुम कहोगे कि क्या करते थे आप कड़कड़ाती ठंड वाले दिन में, तो सब लोग यही कहेगा कि कड़कड़ाते ठंड वाले दिन में हम कुछ नहीं करते थे। हम तो यही कहेंगे भाई कि हम कुछ नहीं करते थे, रजाई में से बाहर निकलते ही नहीं थे, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे रजाई भी छुओ तो ऐसे लगता है कि कहीं पानी तो नहीं पड़ा है। हाँ, बिल्कुल, इतना ठंडा हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि जब घूमने की बात आती है तो ठंड वंड तो दरकिनार हो जाती है, चलेंगे पर्यटन स्थल धनौटी पे। जी, ठंड तो वहां भी बहुत है इस वक्त, लेकिन जो मजा है वहां पे ठंड के दिनों में घूमने का, वो आनंद हम जब बात करेंगे तो वहां पे घूमेंगे। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल जो चला, क्या क्या तुम लोग बोलते रहते हो, उसी तरह से घूम लेंगे। अभी जैसे कहते हैं मनसा, हम लोग कैसे कहते थे मनसा, मनसा कुछ चीजें वाचा होती थी, कुछ कर्मणा होती थी, तो ये मनसा हम लोग घूम लेंगे, यानी मन से घूम लेंगे। मन से घूम लेंगे जी, है ना।
और क्रोध पर भी बात करेंगे कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन अचानक कभी कोई अगर नाराज हो जाए या घर में किसी की आदत ही है कि किसी बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाए, तो नियंत्रण में करना चाहिए या उसको उजागर कर देना चाहिए या कि भाई या मन उजागर करें भी तो किस तरह से करें, इस सारे पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि धनौटी हमें ऐसे ही बुला रहा है कि ताथैया ताथैया करते हुए चले आइए, शरीर में गर्माहट भी आ जाएगी। हाँ, ये बात भी सही है। तो चलो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें बहाने से बुला रहा है प्यारे प्यारे गीत सुना करके और बाद में पता चलेगा कि भाई बहुत ज्यादा ठंड है। कोई बात नहीं, लेकिन देखो जो स्वागत है गर्म जोशी से जब स्वागत होता है ना, तो चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडक हो, सब किनारे हो जाता है और फिर उसका मजा लेते हैं। और वैसे ही वैसे कहते हैं कि धनौल्टी उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मसूरी और चंबा या देहरादून जाते हैं तो धनौल्टी का नाम आता ही है। दीपा देखो, यही तो हम कह रहे हैं बिटिया कि भाई हम तो ऐसी ही जगह बताते हैं जहाँ की आपने नहीं सुना है तो जाइए, वहाँ देखिए कैसा है, है ना। मसूरी तो सब जानते हैं। हाँ, ये है। और वहाँ पे बहुत भीड़ भी नहीं मिलेगी जैसे देहरादून या मसूरी की तरह, लेकिन वहाँ आपको क्या मिलेंगे, देवदार और के घने जंगल और सुंदर हिमालय के पर्वत चोटियों को आप देख सकते हैं जब भी आप ऊपर ऊपर वाली जगह जाएंगे। तो कौन सी जगह भी जाएंगे, जैसे इको धनौल्टी इको पार्क है बुआ, तो अंबर और धरा नाम के दो पार्क मिलके
धनौल्टी इको पार्क बनते हैं। ये पार्क में ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ हैं बहुत सारे, और यहाँ पर बहुत सारे रोमांचक एक्टिविटीज होती हैं क्योंकि ये ऊपरी जगह है ना, तो यहाँ पे इस तरह जैसे फ्लाइंग फॉक्स हो गया, बर्मा ब्रिज, अगर आपको वो गेमिंग जोन रहता है वहां पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे ट्रैकिंग हाइकिंग भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह है वहां पे बीच बीच में कि जहाँ आप आनंद ले सारे नेचुरल जितने भी हरियाली जितनी भी है वहां पे उसका मजा लेते जाएंगे, और आप आराम भी करना चाहे तो बीच बीच में जगह उन्होंने बनाए हैं स्पॉट कि जहाँ पे आप आराम भी आराम करें, फिर उसके बाद उसका फिर मजा लें, आगे बढ़ते रहें। और ये सब जगह ऐसी भी होती है ना, यहाँ पे इतनी हरियाली होती है, आपको शुद्ध हवा मिलती है, अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए, न कि भाग भाग कर सिर्फ देखें और भागें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धनौल्टी एडवेंचर पार्क जो है साहसिक यात्रा के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पे जिप लाइनिंग है, ट्रैकिंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, पैराग्लाइडिंग आदि जैसे बहुत सारे साहसिक खेल हैं जिसका मजा लिया जा सकता है, और स्नो एडवेंचर जोन है, सफेद बर्फ के साथ खेल सकते हैं। भाई इसका तो हम सबका सपना रहता है, बहुत सपना रहता है ना, और अलग अलग पोज में जो तस्वीरें खिंचवाते हैं जो फिल्मी अंदाज में कहना जी बिल्कुल। तो बहुत सारे और भी गेम्स हैं जैसे केव सर्च है, स्काई वॉक है, ऐसे वैली क्रॉसिंग है, ये सब भी किया जा सकता है यहाँ पर आकर जी। और उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पे आलू के खेत संचालित होते बहुत सारे, अब कहने को लगता है आलू के खेत में क्या है, लेकिन इतनी लंबी दूर दूर तक खेत है यहाँ पर, तो आलू फार्म के नाम से लोग वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग बोलते हैं अरे आलू फार्म जाना है तो आप यहाँ चले जाइए, वो जगह से चले जाइए। और ये यहाँ पर इतना आलू जो प्रसिद्ध है बुआ कि दूसरे राज्यों में की भी जब आपूर्ति पूरी करनी होती है तो यहाँ से आलू जाते हैं, और आलू फार्म से जब आप सूर्यास्त देखते हैं बहुत सुंदर लगता है, और दून वैली भी बहुत खूबसूरत दिखती है यहाँ से अगर आप देखना चाहें ना ऊपर से, तो बिल्कुल भाई अगर दिखाई देगी तो बिल्कुल देखना चाहेंगे और सुंदर लगती है। अच्छा कोई भी फल फूल हो या मतलब जैसे आलू है कहने के लिए लगेगा कि जैसे तुमने कहा, लेकिन जब बहुत विस्तार में होती है कोई भी चीज तो वाकई बहुत चमत्कृत करती है और देखकर मजा आ जाता है कि अच्छा इतना ढेर सारा एक साथ इतना सारा है, और वो जो एक अनुभव है ना कि बच्चों को आप दिखाएं कि तुम इसको खींचो देखो आलू कैसे अंदर है जमीन के अंदर, इसकी पत्तियां कैसी हैं, बाहर से कैसे दिखता है, आप कहीं भी देख के समझ जाएं कि जमीन के अंदर आलू है, तो ये सारी चीजें जो है इनका भी अनुभव किया जा सकता है। अब चलते हैं सुरकंडा देवी मंदिर, धनौल्टी के पास है ये देवी, सती के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है, और ये गढ़वाल हिमायु के बहुत सुंदर ये दृश्य जो है आप यहाँ से देख सकते हैं जी बिल्कुल। और ये जो धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है वैसे तो, लेकिन जब आप पास में पहुंचते हैं तो एक कद्दूखाल नाम की जगह है, अच्छा। वहां से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है बुआ, तो 2.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है, लेकिन जो चढ़ाई है ना वो एकदम सीधी है बिल्कुल, जो ऊंचाई जो पर्वतमाला छोटी सी चोटी है एकदम सीधी है, तो अब इसमें आप घोड़ी ले सकते हैं, और पैदल चलना तो मुश्किल है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि आप घोड़ी ले लो, घोड़ी पे ही जाओ, खच्चर पे चले जाओ, और डरते हैं लोग वैसे कि उस पर कैसे लोग डरते हैं ना, हाँ हमें तो बहुत डर लगता है भाई, गुलमर्ग गए थे तो बहुत डर लग रहा था, चीखते ही रहे सारी रात वो बड़े मजे से खुश हो रहा था, हाँ, वो खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि बैठ जाओ आप, इनको आदत है ये रोज ऊपर नीचे जाते आते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि हम क्योंकि हम पहली दफा बैठे होते हैं, तो जब आप पहुंचते हैं मंदिर के ऊपर तब आप देखते हैं कि वहां का जो प्रकृति का जो वातावरण है और जो आसपास की सुंदर जगह है वो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार और रंग के फूल होते हैं, जड़ी बूटियां हैं बहुत सारी पाई जाती हैं, पश्चिम हिमालय के कुछ खूबसूरत पंछी भी यहाँ पर आते हैं, प्रत्येक वर्ष जो ना मई और जून के बीच अधिसंख्य जो तीर्थ यात्री होते हैं वो आते हैं, यहाँ का उत्सव जो होता है वो बहुत प्रसिद्ध है, खासतौर से गंगा दशहरा का जो उत्सव है वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फिर नवनिर्मित सुरकंडा माता का मंदिर जो है रोंसली के वृक्षों के बीच में है, तो रोंसली के जो पेड़ है ना बहुत सुंदर लगते हैं, और जब कोहरा हो तो और सुंदर लगता है बिल्कुल, और ऐसे में जब दूर से वो जो हिमालय की चोटियां दिखती हैं और जो बिल्कुल प्रदूषण रहित जो वातावरण है आसपास का, नीला आकाश और सफेद से बादल, उसके बीच में आप खड़े हैं क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पर ये मंदिर है, तो वो जो आनंद होगा हमें लगता है कि जो आप जो बात करें ना ऑनलाइन घूमने वाली जी, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है बिल्कुल आ रही है, तो ऐसा है कि यहाँ रुक नहीं जाते हैं बल्कि चलते हैं दशावतार मंदिर को, पंचायतन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला भारत में प्राचीन काल की है, पत्थर और मूर्तियों पर की गई नक्काशी भाई देखने लायक है। दशावतार मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है और इस मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है, तो इस बारे में तो हमारा देश बेमिसाल है, नक्काशी और जो कलाकृतियां हैं,
और इसी तरह से एक और कला का नमूना है देवगढ़ किला। किले के अंदर खूबसूरत भित्ति चित्र है, पेंटिंग है, मूर्तियां हैं और ये किला बहुत पुराना है, कहते हैं 16वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। आसपास इस किले के कई सारे जैन मंदिर हैं जिन्हें आप किले के साथ साथ जब किले की तरफ जाएं तो ये सारे मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं और अब बात करेंगे हम टिहरी बांध की, लेकिन उससे पहले हम एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी गीत के पहले हम बात करने वाले थे टिहरी बांध की। जी। तो भारत और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है और इस बांध के जलाशय को टिहरी झील कहा जाता है। टिहरी बांध में आप बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर सकते हैं। यह बांध जो है दिल्ली के पास सबसे नजदीकी बांध है ये, और नौका विहार यहाँ पे होता है, जेट स्कीइंग होती है, पैराग्लाइडिंग और बहुत सारी और भी गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पर। जी, और क्योंकि बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स यहाँ होते हैं तो शिविर या कैंप भी बहुत लगते हैं यहाँ पर। जैसे थांगदार जो कैंप है ये बहुत यहाँ का प्रसिद्ध कैंप है और यहाँ पर कई मजेदार रोमांचक गतिविधियाँ होती है, जैसे
बर्ड वॉचिंग, स्टार गेजिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर क्रॉसिंग, रैपलिंग, ये सब जो जिन लोगों को भी ये रोमांचक काम करना अच्छा लगता है ना कि कुछ तो ऐसा करें जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा वो जाए, लेकिन देखने में भी तो मजा आता है। मैं जो नहीं कर सकते वो देखने जाइए आप, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि युवा को पूरा बड़े जल्दी अच्छा लगता है कि हाँ ऐसी जगह जाएं या ठंड में हम भीग जाएं। अब तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम जाएं ही ना। नहीं ऐसी बात नहीं, तुम कह रहे देखेंगे ना लोग चिल्लाएंगे ऐसे खूब लोग चिल्लाते हैं ऐसी जगहों पर, बड़ा मजा आता है। जैसे कि वो चक्री वाले झूले होते ना उसमें खूब लोग चीख रहे होते हैं जो ऊपर होता है, उनको देखने में बड़ा मजा आता है। कभी रुक के वहां देखिए, उसका अपना मजा है। हमने हमेशा बैठा है ना तो अब हम खड़े होकर देखेंगे। हाँ देखना बहुत मजा आता है जी। तो आगे ये इस कैंप को अगर पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडोर और आउटडोर गतिविधियां होती हैं। आप इसके पास में भी जैन मंदिर है, वहां पे भी जा सकते हैं। और इसी तरह कनाटल एडवेंचरस कैंप, ये भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। वहां पर भी इसी तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि शिव ये थांगदारी में होते हैं। हाँ। तो इसका भी आप यहाँ पर भी जाके आप इसका आनंद ले सकते हैं। आनंद ले सकते हैं। और ऐसी प्राकृतिक जगहों में भाई वन जो होते हैं उनका अपना मजा होता है जो हमें सामान्य दिनों में नहीं देखने को मिलता है। कौड़िया वन ये है यहाँ पर कनाताल में है और घने जंगलों और शांत घाटियों से भरा हुआ है। यहाँ पे जंगली जानवर पक्षी भी मिल जाएंगे। जंगल में जीप सफारी के लिए आप जा सकते हैं और कई जगह भी आप देख सकते हैं। बच्चों को बहुत मजा आता है जीप सफारी में जी। और मीठे पानी के झरने हैं जो रास्ते में आप देख सकते हैं। तो भाई देखो ऐसा है कि जब झरने मिलते हैं ना तो आपको पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, जहां झरने मिले आप नहाइए भी, पानी भी पीजिए जी बिल्कुल। मीठा मीठा पानी है उसका मजा लीजिए। और चंबा जो जगह है, चंबा गांव बहुत खूबसूरत जगह, ये देवदार के जंगलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चंबा में आपको सेब के बहुत सारे बाग मिल जाएंगे। तो जिन्हें बहुत पसंद आता है ना सेब पसंद है या हाँ। सेब नहीं तो देखना, सेब खाना नहीं तो बस देखे ही नहीं तो माली आके दौड़ा लेंगे भाई। आप बस देखिएगा, नहाने वाली बात तो देखिए प्रकृति ने दी है, आप नहा सकते हैं लेकिन सेब नहीं खा सकते। लेकिन वो आगे चलेंगे वहां पे खेत भी है। लेकिन यहाँ की जो चंबा की बात कर रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे बागेश्वर महादेव मंदिर है और एक गबर सिंह स्मारक है। तो ये चंबा से थलय सागर और जौनिल चोटियों की झलक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इतना सुंदर लगता है यहाँ, इतना सुंदर है। जब यहाँ पर आए हैं तो चंदेरी में भी कुछ समय आप बिता सकते हैं। ये चंदेरी जो है धनोल्टी के पास एक छोटा सा शहर है। यहाँ बादल महल, कोशक महल, विक्ट्री आर्क जैसे मुगल काल के स्मारक जो हैं जिन्हें देखा जा सकता है। यहाँ पर कभी मुगलों और राजपूतों का भी शासन था। मुगल किला है जिसमें शानदार वास्तुकला है। चंदेरी में कुछ जैन मंदिर है, उसका भी दर्शन किया जा सकता है जी। और जैसे सेब की बात कर रहे थे ना, सेब के बहुत सारे बगीचे होते हैं यहाँ। तो धनौल्टी में जो एप्पल आर्च बहुत सारी जगह होते हैं तो वहां जरूर जाना चाहिए। और खूबसूरत और प्रसिद्ध ये जो जगह है, यहाँ पे कांच के रेस्टोरेंट बने रहते हैं जिसके अंदर आप भोजन करिए। तो जब आप अंदर बैठे हैं कांच के अंदर, लेकिन बाहर आपको पूरे सेब के बगीचे दिख रहे हैं, तो बहुत मजा आता है। गढ़वाली व्यंजन जो है आप उसका आनंद लीजिए, फिर सेब की जो रसदार किस्मों का स्वाद ले सकते हैं। आप पहले टेस्ट कीजिए वहां पे, उसके बाद आप खरीदिए आपको कौन सा वाला पसंद है। ऐसा हाँ ऐसा क्या बात है। फिर आप उसमें से आप वहां के जो जैविक तरीकों से जो बनते हैं ना जैम, सिरप, जूस, वो सब भी खरीद के लेके आ सकते हैं। क्या बात है, जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं और चाहते हैं कहां से हमें शुद्ध चीज मिले। तो अब वहां पहुंचे कैसे ये सारी चीजों को लेने के लिए, ऐसे दृश्यों को देखने के लिए, तो जौलटी ग्रांट हवाई अड्डा सबसे पास में है, आप जा सकते हैं। उसके बाद टैक्सी की सेवाएं ले सकते हैं। और अगर ट्रेन से जाना है तो भी देहरादून का जो स्टेशन है वो सबसे नजदीकी स्टेशन है। और दिल्ली जो है यहाँ से सभी तरह की जो ट्रेन सेवाएं हैं वो आपको मिल जाती मिल जाएंगे। तो आप दिल्ली से भी जा सकते हैं। हमारे साथी ने लिखा है अपनी याद ताजा करते हुए कि सुंदर मनोरम दृश्य, धनोल्टी की यादें ताजा हो गई। हम वहां के सीढ़ी नुमा खेत देखने गए तो वहां के लोगों, किसानों ने हमें अपने खेत से उखाड़ कर लाल लाल मूली खाने के लिए दिया, बेहद ही स्वादिष्ट थी। तो भाई ऐसे ही मजा मिलता है ऐसी जगह जब जाइए जी बिल्कुल। और ऐसी जगह पे अगर एक सुंदर सा गाना नहीं गुनगुनाया तो फिर क्या किया।
क्या मौसम है, दीवाने दिल अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। इतने सुंदर गीत है लेकिन एक छोटा सा अंतराल।
अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे कार्यक्रम सखी सहेली और घूम रहे थे धनौल्टी। हाँ, लेकिन एक बात तो है, जब ये अंतराल आता है ना तो हमारे बहुत सारे साथी जो हैं बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको। ऐसा भी है? एकदम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जहाँ जो जरूरी है वो जरूरी है, तो मतलब गुस्सा निकाल लें। गुस्सा देखिए, आ तो बात तो सही है, अगर हम भी उनकी जगह हो ना तो ऐसा लगेगा बात इतनी अच्छी चल रही थी, इतना अच्छा गाना चल रहा था, कहाँ ये बीच में ब्रेक। लेकिन कुछ चीजों की जरूरत जहाँ होती है वो तो करना ही होता है, करना ही होता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि गुस्सा करना भी बड़ा जरूरी है, तो क्या वो सही है? अब ये है कि हाँ भाई, आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, अगर शारीरिक व्याधियां उसमें आने लग जा रही हैं कि भाई हाँ तो? हमसे अंदर से रहा नहीं जा रहा, या हम परेशान हो रहे हैं, या हमारे कहते हैं ना कि डिप्रेशन में बोल लेते, आजकल बड़ा एक शब्द ही आ गया है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है क्या, तो हम गुस्सा निकाल देते हैं या हम दिखा देते हैं। अभी जैसे ठंड लग रही है तो अभी किसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे ये बताओ जरा तुम। इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, बुरा नहीं तो हम शांत रह जाते हैं, नहीं हीटर लगा लीजिए, तरीके होते हैं ना। फिर लेकिन गुस्सा तो नहीं करते ना, लेकिन वैसे किसी के लिए गुस्सा करना हो तो कहते हैं अब लो उसने ऐसी बात कह दी तो गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है, और 100 दलीलें देते हैं कि नहीं गुस्सा तो आना ही था, मतलब हम अगर इंसान ही नहीं रह जाएंगे अगर गुस्सा नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं। एक बात तो है, अपने लिए कायदे कुछ और हो जाते हैं, दूसरों के लिए कायदे कुछ और हो जाते हैं। सही बात है, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हम बिल्कुल जायज ठहराते हैं और दूसरे के गुस्से को तो बिल्कुल खारिज कर देते हैं कि बिल्कुल ये एप्लीकेशन आई नहीं, कि इसको पहले ही किनारे कर दो, ये तो सही नहीं है जी। तो कुछ ऐसी चीजें तो है गुस्से के मामले में खासतौर से, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि घातक है थोड़ी ज्यादा ना। हाँ, मतलब ये जो कहते हैं ना, हम जो अपनी सामाजिक दुनिया उसमें जरा बुरा मानते हैं कि भाई क्या आप सबके सामने नाराज हो गए, उसको ठीक नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये एक भाव है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, जैसे सारे दूसरे भाव है, हास्य का भाव है, जैसे जितने हमारे दूसरे भाव है उसी तरह से ये भी तो एक क्रोध भी तो एक प्राकृतिक भाव है जो हमें मिला है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से खुद को हानि पहुंचाता है, सामने वाले को हानि पहुंचाता है, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देता है, दूषित कर देता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। लेकिन हमारी भाई दीपा बिटिया, तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि इसको प्रकट कर देना चाहिए। वो ऐसा है कि अभिव्यक्ति जब उसकी हो जाती है ना, उसके तरीके बदल के हम उसको निकाल दे बाहर, ताकि जिसको आ रहा है बार बार, एक तो वो भी ठीक रहे, घर का माहौल भी ठीक रहे, और कुछ इस तरह से हो जाए कि बात बोल भी दी जाए, और जो परिवार या हमारे पास पड़ोस में जो भी सामने है उन्हें बुरा भी ना लगे, उन्हें आहत भी ना हो। बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए पूरा क्लास चलना चाहिए। लेकिन तुमने बड़े मजे से जो कहा कि थोड़ा सा तरीका बदल के, तो ये जो तरीका बदल के वाली जो लाइन है ना, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम तो ये सोच लेते हैं कि नहीं निकाल देना चाहिए, और सभी लोग कहते हैं निकालना चाहिए, तो इसमें हर्ज क्या है? फिर अगर हमने निकाल दिया और हमने गुस्सा कर दिया तो इसमें सामने वाले इतना हमको बाद में उपदेश क्यों दे रहे हैं? वैसे भावना की जहां तक बात है, हमारे साथी लिख रहे हैं किसी भी भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है, इन्हीं भावनाओं में से गुस्सा है। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है, अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। क्रोध में व्यक्ति की सोच समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का प्रयोग करने से भी बचेंगे, मामला वहीं शांत हो जाएगा। ये बात तो लेकिन है। मामला तो शांत मामला हो जाएंगे, शांत भले ही हो जाए लेकिन अंदर जो है वो तो रह गया ना, उबाल जो है वो आ रही है, वो तो आ रही है। तो कैसे निकाला जाए? तरीका यह है कि हाँ भाई, या तो आप कमरे से बाहर उस वक्त चले जाइए। लो तो फिर मतलब अकेले में जाके चिल्लाएंगे? नहीं, अकेले में जाके नहीं। हाँ, और क्या? अब जब लग रहा है कि हाँ। मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए कि शादी का माहौल है, अब किसी बात पे गुस्सा आ गया तो सबके सामने तो नहीं निकाल सकते, अपने घर के तो परिवार के चार लोग ही उस वक्त खड़े, लेकिन और भी तो है। तो ऐसे समय पर आप थोड़ा जरा अलग हट जाइए, बाहर चले जाइए, या अपने घर वालों को बुला करके उनको बोल दीजिए कि ये जो बात हुई है या ये जो किया है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर सबके सामने थोड़ा सा, कभी मजाकिया के तरीके में नहीं बोल सकती क्या बुआ, थोड़ा सा मजाकिया? अच्छा देखो, एक बात ये बताओ, ठीक है मजाकिया तरीके में बोल जरूर सकते हैं, उसके लिए भी बड़ा हुनर चाहिए। लेकिन एक बात तो है, जैसे बच्चों के लिए अक्सर हम कहते हैं कि बच्चे किसी बात पे जिद कर रहे हैं तो हम उन्हें डाइवर्ट कर दें, कुछ और उन्हें दिखाएं, कहीं और उनका उनको व्यस्त कर दें। अब तुम शादी ब्याह की बात कर रही हो तो हम खुद क्यों नहीं कहीं अच्छी जगह चले जाएं, दो ठो मिठाई खा लें अच्छे से, अपना मुंह मीठा करें और शांति से कहीं बैठ जाएं, किसी से कह दें भाई कड़क चाय बना दो, मन हो तो कॉफी पी लो, या बाजार जाके कुछ खाए।
इसमें क्या है मतलब, या अपने अच्छे अच्छे कपड़े जो शाम को पहनने वो देख लीजिए कि अच्छा हम शाम को ये पहनेंगे, तो कुछ अपने को थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं कर सकते? अपने को डाइवर्ट कर सकते हैं बुआ, लेकिन जो जिनको नाराजगी की आदत होती है वो नाराज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण निकल ही जाता है। अब तो उनसे कह रही हो कि नहीं नहीं थोड़ा सा धीमे स्वर में बता दीजिए, थोड़ा सलीके से बता दीजिए, तो भाई वो तो सलीका ना सीखने वाले, हमें नहीं लगता ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि वो वाकई नहीं सीखना चाहते। तो भाई बंधु बहने हमारी जो भी है वो ये समझिए कि आप सिर्फ, पहले तो हमारे साथियों ने भी लिखा है कि बहुत अच्छा लिखा है कि गुस्सा जो है वो अपने घास से भरे हुए घर की जैसा है, पहले खुद को जलाता है तब कहीं बाहर आग लगाता है। हाँ। तो सही बात है कि पहले आप खुद जलते हैं तब बाहर आप आग लगा रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और देखिए ये एक इसी तरह से संदेश आया कि जब गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने इस पर काबू पाया जग को जीत लिया, बस ये समझे। कुछ न देखने और चुप रहने से गुस्सा कम हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। और ये कहते हैं कि लोगों का मानना है कि इस विकल्प के उपयोग से तैयार किए गए मसाले को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, गुस्सा आने पर खुद को शांत कर लिया और कुछ समय के लिए बोलने से मना कर दिया, मतलब ये कह रहे हैं भाई जैसे अब आपने बताया था ना कि गुस्सा आ रहा है तो क्या करें, तो या तो ये भी कह सकते हैं इनके हिसाब से कि आप बोल दो कि अभी हमसे बात मत करो, अभी हम से देखो ये अच्छा हिसाब है, तुम बार बार कह रही हो इनके हिसाब से, इसका मतलब तुम उसमें मुतमईन नहीं हो, इससे नहीं, सहमत नहीं, मान रहे हो। नहीं नहीं मान रहे हैं, बुआ उनकी बात मान रहे हैं। आगे ये भी कह रहे हैं कि आपको दूसरों को सुनने और उसकी बातों को समझने का समय देना होगा, इसके अतिरिक्त क्रोध को नियंत्रित करने और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करने में क्रोध जो नियंत्रित कर लेते हैं तो ये सहायता करती है। क्या बात है, हमारे साथी ने एक और अच्छा सा विकल्प दिया है, दूसरों की बात तो नहीं करता लेकिन जहाँ, हाँ जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं विविध भारती लगाकर रेडियो तेज कर देता हूँ, विविध भारती सुनता हूँ और मेरा गुस्सा कम हो जाता है। तो बताइए कितना अच्छा आपके पास विकल्प है। इनका ये विकल्प तो मुझे लगता है जिनको भी गुस्सा आता है उनको अपना लेना चाहिए। तो ये गीत सुनते होंगे ना, तो हम एक गीत सुना देते हैं। हाँ चलिए सुना लेते। जरा ठहरो जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होंठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा।
पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। एक संदेश आया है बुआ जी, ये कह रहे हैं क्रोध मनुष्य की एक ऐसी भावना है जो हृदय की गति को बढ़ाने के साथ साथ तनाव के स्तर भी में भी वृद्धि करती है। जब कोई कार्य अपने मन के अनुकूल नहीं होता तो हमें क्रोध अवश्य आता है। यदि जीवन में धन संपत्ति सम्मान अर्जित करना चाहते हैं तो क्रोध का त्याग करके नम्रता का व्यवहार अपनाना ही होगा। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए असहज बातों को सहज रूप से लेना, एकांत में चिंतन करना, सात्विक भोजन करना, योग करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, अनावश्यक जो आवश्यकताएं हैं उनका त्याग करना। तो ये उन्होंने तरीके बताए। तो ये तरीके तो ऐसे हैं जिनसे कि आप क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अगर आपको क्रोध आता है तो कैसे उसे प्रकट कर दें और जो भी आपके अंदर ज्वाला है उसे बाहर निकाल दें। हाँ, बुआ। और लेकिन बाहर वाला जले भी ना उससे, तुम्हारा तो यही कहने का मतलब है। ऐसे कैसे होगा? हाँ, तुम्हारे चाहने से हो जाएगा। बताओ जरा कैसे चाह रही हो? क्या होता है कि जब हम नहीं बता पाते किसी को, तो एक चीज जो देखने में आई है हम खुद को दोषी मानने लग जाते हैं, है ना। और फिर खुद को जब बोलते हैं कि हम तो है ही ऐसे, हम में तो है ही, हमारी किस्मत ही हमारी ऐसी है, हम बोले ही नहीं कभी, उस वक्त बोल देना चाहिए था, इस वक्त ये कर लेना चाहिए था, हमने किया ही नहीं। और इस तरह से अपने अंदर अंदर इतनी भावनाएं हम जो कहते हैं ना पाल लेते हैं, कुंठाएं मन में बढ़ जाती है, आत्मविश्वास कम होने लगेगा, इंसान खुद पे भरोसा कम करने लगेगा। तो ये चीज क्या सही है क्या गलत है, ये देखो ऐसा है ना कि खुद को दोषी मानना चाहिए। खुद को दोषी मानने से बेहतर है कि आप उसमें सुधार की गुंजाइश देखें, उसमें आत्मचिंतन के बाद ये देखें कि कैसे इस पे आप काबू पा सकते हैं, ना कि आप उसको खुद को दोष दे देके। ये देखो सही शब्दों में बताएं तो ये ड्रामा है, मतलब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं और हम बस ये कह लेते हैं, चूंकि हम खुद अपने आप को दोषी मान लेते हैं तो कोई और नहीं दोष दे पाता या कोई और नाराज नहीं हो पाता कि भाई हाँ वो तो खुद ही मान रहा है ना, हम तो खुद ही मान रहे हैं अपनी गलती, तो हम सब चीजों से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उस पर नियंत्रण करिए खुद और फिर उसके बाद एक आत्मविश्वास के साथ आगे आइए। समाज है, फेस तो आप ही को करना है ना, सिर्फ ये कहने से आप नहीं हट सकते। तो ये सारी चीजें हैं। और हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि युद्ध अगर तुम्हारे मन में, क्रोध पर नियंत्रण, युद्ध अगर तुम्हारे मन में है तो तुम्हें शस्त्र की नहीं शास्त्र की जरूरत है। संयम ही एक उपाय है, इसीलिए कहीं लिखा है संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पर देखें। और नियंत्रण करने के लिए और बहुत सारे उपाय हैं, अक्सर हम उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ कागज फाड़ लेते हैं अकेले बैठ के, या कागज पे खूब लिख लेते हैं जी। कुछ लोग एक बॉल में पानी ले लेते हैं, उस पर उंगलियों से कुछ कुछ लिख लेते हैं, तो उनका दिमाग कहीं और चला जाता है। बिल्कुल। एक स्थिति और है बुआ, क्या कि क्रोध तो आ रहा है, बोल नहीं सकते, तो इसका उलट, अभी पहले खुद को दोष माना, दोषी माना, अब दूसरों को, घर वालों को बोलने लग जाते हैं या रिश्तेदारों को, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो ये भी एक तरीका है बाहर निकालने का। हम खुद मतलब अपनी जो अंदर की जो कमियां हैं हम उसको तो नहीं गिनते, कभी नहीं, कोई नहीं गिनता, सही बात है। और फिर दोषी दूसरों को बना करके और फिर बाद में खुद ठंडे हो जाते हैं, लेकिन दूसरे जो घर के परिवार के जो सदस्य हैं फिर वो बेचैन हो जाते हैं। हाँ, जाहिर है कि अगर आपके ऊपर कोई भी गलत आरोप लगाया गया या आपको जिम्मेदार ठहराया गया तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन गुस्सा जो है ये कोई किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है और विकल्प नहीं है। तो बेहतर वही है कि बाकी जैसे मनोभाव, ऐसे तो ये भी कहा गया है ना दीपा बिटिया की, मनोभाव जैसे सब है निकालना चाहिए, तो किसी की भी अति ठीक नहीं है। आप बहुत खुशी भी जो कहते हैं ना कि गीता में तो ये भी कहा गया सम दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो आप सुख और दुख दोनों में सामान्य रहना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं क्रोध आ रहा है या बहुत ज्यादा खुशी भी है तो आप एक संभाव रख के अगर रहेंगे तो जाहिर है कि जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। जी, यानी कि स्वीकार कर लें कि हाँ हमारे अंदर ये आदत है और फिर उस पे काम करने की। लेकिन इसके संग संग एक बात और है जी? जब हम सामने वाला कोई ऐसा हमें मिलता है और हम जिसकी वजह से हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी वजह से हमें क्रोध आया है, तो उसको भी वैसे ही स्वीकार करिए कि ये ऐसा ही है, अब हमको उसके अनुरूप खुश व्यवहार करना है, यानी एक सामान्य सा व्यवहार करना है। ना कि उसकी जो भी जो हमें वो सुलगा रहा है उससे हम सुलग जाएं या क्रोधित हो जाएं, नहीं होना चाहिए। यानी कि तरीके तो देखिए है, हम अपने क्रोध के इस भाव को हम अलग अलग तरीके से बाहर निकाल सकते हैं और फिर उस पर काम करके उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और वैसे भी अपने किसी भी भावों की डोर जो है वो किसी और को ना सौंपे। आप खुद अगर खुश होते हैं तो ठीक है, अगर आप खुद नाराज होते हैं तो ठीक है, किसी और की वजह से ना हो, है ना। बिल्कुल। तो एक गीत सुन ले इस बात बिल्कुल
गुस्सा गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। अरे ऐसा जब इनकार है तो इकरार कैसा होगा, इकरार कैसा होगा। पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है, पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है। दिलकश रसीले होठों पे बातें रुकी हुई सी है। खामोशी खामोशी ऐसी है तो इजहार कैसा होगा, इजहार कैसा होगा। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। काजल अगर लगा लेती पागल हमें बना देती, हाँ काजल अगर लगा लेती पागल हमें बना देती, बिंदिया अगर लगा लेती आयल हमें बना देती। सादगी सादगी में हुस्न है सिंगार कैसा होगा, सिंगार कैसा होगा। यार गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। देखूं देखूं अगर तो घबराए, भूलूं अगर तो शर्माए, देखूं अगर तो घबराए, झूलूं अगर तो शर्माए, छेड़ूं जरा सा तो हाय मारे शर्म के मर जाए। तोबा 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 ऐसा शर्मीला दिलदार कैसा होगा, दिलदार कैसा होगा। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। भाई देखो ऐसा है कि गुस्से की बात में हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि जिस समय गुस्सा आता है ना तो सारे ये जो टिप्स हैं वो फेल हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना। ये बात तो बिल्कुल सही तो है, इसीलिए गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। और फिर ठंड का मौसम अगर याद कर लेंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग शांत हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है कि जब ठंड में जब सभी कुछ ठंडा है तो दिमाग भी ठंडा ठंडा ही रहेगा। और गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय पीजिए और गुस्सा करने की क्या जरूरत है ना। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि वो ठंड के दिन सच में सिहरन सा लगता है, तब हाथ पैर फट जाते थे, खून आ जाते थे बचपन के दिनों में, गुर्सी अलाव बहुत जलाते थे। अब के समय में बहुत बड़ा अंतर है, साधन कम थे, गर्म कपड़ों का अभाव था, घर में साड़ी से बनी रजाई कथरी, छत्तीसगढ़ में बोलते थे सूती कपड़े की साड़ी का होता था, हम लोग भी जानते हैं भाई कथरी, और मोमबत्ती से वैस्तीन बना लेते थे हमारी अम्मा, थोड़े से नारियल तेल मोमबत्ती डालकर गर्म करके बस तैयार है वैस्तीन। हाँ, तो इन्होंने पहले ऐसे ही होता था। हाँ, तो प्यारी सी आपने बात लिखकर भेजी है, क्या बात है। और इसी तरह से एक और ये संदेश आया है कि ठंड का अपना ही मजा है बुआ जी, सबसे पहले तो पकवानों की
जो अलग बाहर रहती है, साथ में कई पौष्टिक चीजें उपलब्ध रहती है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो या मिठाइयाँ। साथ ही पहले हम जहाँ रहते थे तो वहाँ इतनी ठंड नहीं होती थी कि स्वेटर भी पहना जाए, अब जहाँ है वहाँ गजब की ठंड है, तो स्वेटर, कोट, शॉल, कार्डिगन पहनने का शौक पूरा किया जा रहा है इस बार। और मुझे याद आती है लगभग 12-13 साल पहले की ठंड की सुबह, किन्हीं कारणों से गाँव जाना हुआ, इतनी ठंड और कोहरा वहां पे, इतना ठंड थी कि नाक लाल हो चुकी थी और घर पहुंचने तक और हाथों की उंगलियों की पोर लाल होकर उनमें खुजली होने लगी। घर पहुंचकर गर्म पानी से मैं कुछ देर के लिए हाथ रखा, तब कहीं जाके अच्छा लगा, लेकिन खेतों में खड़ी फसल और हरियाली देखकर बहुत अच्छा लगा, वो ट्रिप हमारी यादगार बन गई। क्या बात है, तो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो रह रहे हैं बराबर उनकी बात है कि कड़कड़ाती हुई ठंड का सितम बड़ा ही दुखदायी होता है। हालांकि सोने के लिहाज से ये मौसम बड़ा ही सुहाना होता है, लेकिन उनका क्या जो इस ठंड के मौसम में अभाव में जीते हैं। आज से 20 साल पहले जब घर में घोर अभाव था तो हम लोग अपने मामा के लड़के का गर्म कपड़ा ले आते थे, उनका उतारा हुआ, अपना काम चलाते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से मेहनत मजदूरी करके चैन की नींद सोते हैं। मेरे साथ एक लड़का काम करता है जिसको अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद भी एक कंबल खरीद कर दिया है, एक सहायता की है। हालांकि श्रीमती जी को समझाने के बाद वो समझ गई जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है आपने इस सर्दी का ये भी काम किया। वैसे तो हम कड़कड़ाते ठंड की जो बात कर रहे थे, ब्लोअर और इन्हीं सब की बात कर रहे थे, लेकिन आपने जो काम किया वाकई बहुत अच्छा है। और बचपन, एक और ये संदेश आया है कि बचपन में ठंड के दिनों की बात मुझे याद आती है, बचपन की। हाँ। हम लोग नहाने के डर से घर से दूर भाग जाते थे, खेलते चले जाते थे, छिप जाया करते थे, माँ ढूंढते ढूंढते रह जाती थी, और जब हम पकड़ में आते थे तब ऐसी धुलाई होती थी कि हमारा जो हमारे जितने हमने जो छुपा छुपी करी है ना, सब निकाल देती थी माँ। फिर धूप में बैठने का जो मजा आता था बाद में, वाह क्या बात है, तो उनकी जो लग रहा है कि हाँ उन्हें बहुत सारी अपनी माँ की पिटाई भी याद आ गई। इन्होंने देखा इतनी धुलाई होती थी कि हम गोरे हो जाते थे। अच्छा ये हमसे छूट गया, गोरे निकल आते थे, क्योंकि वाक्य में समझ में नहीं आ रहा था। अभी हमने फिर से पढ़ा तब समझ में आया, इतनी धुलाई होती थी कि गोरे निकल आते थे। तो अच्छी बात है आपका रंग निकल जाता था। बचपन में जब कड़कड़ाती ठंड होती थी और शनिवार को सुबह में स्कूल का टाइम 7:30 का होता था, तब उठने में बड़ी आलस आती थी, लेकिन स्कूल में छत पर गुनगुनी धूप में बैठा कर पढ़ाते थे तो बड़ा मजा आता था। तो जब मजा आता था तो फिर गीत भी सुना जाता था जी।
तो भाई तुमने फिर ठंडी हवा चला दी। हमारे साथी यही कहेंगे। और हमारे साथियों ने ये भी लिखा है कि क्या क्या करते हैं, ये तो प्रकृति का चक्र है, ठंड गर्म बरसात आना है, पर किसी किसी साल इतनी ठंड होती है कि ये हाल हो जाता था, बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं हुआ, वो वाली ठंड होती है कड़ाके की। उस समय सभी के बच्चे बेहद छोटे थे और सबसे मुश्किल उनके कपड़े सुखाने की, कई दिनों तक धूप नहीं निकलती थी, सारे दिन घर में कोयले के चूल्हे जलते रहते थे, बच्चों के कपड़े खासकर उनके लंगोट नैपीज को आयरन करके सुखाने पड़ते थे। उन दिनों में खाना बनाना सबसे अच्छा लगता था क्योंकि तब चूल्हे के पास खाना बनता था तो बड़ा मजा आता था, सभी चाहते थे कि चूल्हे के पास बैठकर ही खाना खाए। तब हीटर घरों में नहीं जला करते थे, ठंड बहुत सताती थी पर उसका अपना एक अलग मजा था। हाँ ये बात तो है, वो दिन ही अलग हुआ करते थे जब हीटर नहीं थे और आपको चूल्हे या अलाव लगा करके बैठना पड़ता था। और इसी तरह से एक और संदेश है कि सर्दियां आते ही मैं छोटी बड़ी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, लौंग, ये इसका सबका एक मसाला बना लेती हूँ, हर बार चाय बनाते हुए डाल देती हूँ, साथ में अदरक भी डाल देती हूँ, ये ठंड कैसे भूल सकती हूँ। स्वेटर, मोजे, गर्म इनर, सरपिट, गर्म टोपी, स्कार्फ सबसे लैस रहती हूँ और बहुत कड़ाके की ठंड में सूरज देवता भी हल्के पड़ने लगते हैं, साथ में अगर बारिश हो जाए तो बाबा सोने पे सुहागा। हल्की और कड़कड़ाटी ठंड दोनों ही झेलते हैं, लाख तैयारी से रहे पर ठंड लग ही जाती है, जैसे कि मैं और मेरे घर में सभी खास रहे, जो अभी इस वक्त खास सबको शायद खांसी हो रही है, कभी नाक बहती है तो कभी सूख जाती है, पिछले 10 दिनों से परेशान हूँ। तो भाई ख्याल रखिए अपना और सभी स्वस्थ प्रसन्न रहे, इसी कामना के साथ आज कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं जी। आप सभी को दीपा महेश्वरी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।